कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट्स। अर रहमान अर रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये जो आलमी वबा की लहर कोरोना कोविड 19 के नाम से इस वक्त दुनिया में जारी है, इसके सिलसिले में तमाम ही उलमा ने, मिल्ली तंजीमों के सरबराहों ने बार बार इस बात को वाज़े किया है कि इस मामले में शरीयत के भी रहनुमा उसूल मौजूद हैं। इलाज करना सुन्नत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी में इलाज फरमाने की इजाज़त दी है, तरगीब भी दी है और ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है। इसी तरह से बीमारियों में एहतियात का भी इस्लाम ने हुक्म दिया है, कुरान और हदीस में उसके वाज़ह सबूत मौजूद हैं। इसलिए तमाम उलमा ने और तमाम मिल्ली तंजीमों में, दीनी अकाबिर ने और ख़ास कर यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के दीनी सरबराह शामिल हैं और तमाम तंजीमों के सरबराहान शरीक हैं, मीरवाइज साहब की सरपरस्ती में तमाम हजरात का मुत्तफ़िका मौक़िफ़ यही है कि इस कोरोना वबा में भी एहतियात भी ज़रूरी की जाए, SOPs की भी पाबंदी की जाए और वैक्सीन जो आ रही है उसका भी बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ भी की जाए। असल मसाइल को हल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू किया जाए और बलाएँ आफतें सदका करने से दूर होती हैं। पहले से हमारे अकाबिर और असलाफ का मामूल रहा है, जब भी आफतें और मुसीबतें तकलीफ़ें आती हैं थीं उस वक्त सभी लोग सदक़ात और खैरात का एहतमाम करते थे। यही सब चीज़ें इस वक्त भी अपनाने की ज़रूरत है। हमारी अपने तमाम बिरादरान से यही अपील होगी कि वह एहतियात को भी हाथ से न जाने दें और इलाज का भी ख्याल करें, वैक्सीन का भी इस्तेमाल करें और अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में दुआओं का भी एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और इस आलमी वबा कोरोना से पूरे आलम को जल्द अज जल्द नजात अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज़ सर्विस।